और इसी बीच करनाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, बड़ी खबर करनाल से इस वक्त की सामने आ रही है। तो करनाल से सीएम सैनी की पत्नी ने प्रचार किया है, ये बड़ी खबर करनाल से। सुमन सैनी ने लोगों से वोट देने की अपील की है। सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने जनता से वोट देने की अपील की है और खेड़ा कॉलोनी में लोगों से वोट देने की अपील करती सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी नजर आई। ये बड़ी खबर करनाल से इस वक्त की सामने आ रही है। सीएम सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने प्रचार किया, बीजेपी के पक्ष में प्रचार करती लगातार। अब सुमन सैनी भी चुनावी मैदान में है और सुमन सैनी ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो खेड़ा कॉलोनी में लोगों से वोट देने की अपील की और अलग अलग वार्ड में सुमन सैनी पहुंची है। योजना का शिलान्यास हुआ है मोदी की गवर्नमेंट, 370 धारा कश्मीर से हटाई है मोदी जी की गवर्नमेंट, रामलला का मंदिर बनाया है मोदी जी की गवर्नमेंट, 3 तलाक का जो तलाक तलाक कहने से मुस्लिम बहनों का जीवन समाप्त हो जाता था, 4-4 बच्चों की मां को एकदम से सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था, तलाक तलाक बैल बजाई कुंडी ना खोली थोड़े देर होगी तब तलाक तलाक, उससे छुटकारा दिलाने के लिए भी ये मोदी इतनी गारंटी मोदी जी ने दी कि अगर मैं सारी आप लोगों के बीच में गलवाऊं तो कैसे सामने के लिए आज आप लोगों के बीच में आई है। यही कहने के लिए आई है कि एक एक वोट आप यहाँ से अपने भाई अपने बेटे। तो सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी अब लगातार बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं और अलग अलग वार्ड में सीएम की पत्नी सुमन सैनी पहुंची और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करती नजर आई। तो अलग अलग वार्ड में सुमन सैनी पहुंची है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने सुमन सैनी का भव्य स्वागत भी किया। सीएम सैनी की पत्नी ने जमकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुमन सैनी ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। खेड़ा कॉलोनी में लोगों से वोट देने की अपील की।